अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अभी हमने जो सॉल्यूशन की बात की थी, हमने सॉल्यूट को 1 मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब उसी सॉल्यूशन के अंदर फर्दर हम और सॉल्वेंट ऐड करते चले जाएं, और सॉल्वेंट ऐड करते चले जाएं, तो एक और अलग कंसंट्रेशन हमारी जो है सॉल्यूशन की बन जाएगी। ठीक है, तो फर्दर डाइल्यूशन, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी इन केस ऑफ फर्दर एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, नॉट सॉल्यूट के अंदर। ठीक है, तो फर्दर जितना हम ऐड करते चले जाएंगे और अलग से एक और कंसंट्रेशन हमारी डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन किसी भी कंसंट्रेशन पे ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, HCl को हम H2O के साथ मिक्स करते हैं। HCl हमारा डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड HCl के अंदर फर्दर हमने H2O और ऐड कर दिया, और फर्दर H2O ऐड करने के बाद HCl जो है फर्दर और डाइल्यूट हो गया, HCl एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। तो जब भी हम सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो एनर्जी चेंज कम ही होता है। तो यहाँ पे आ गया 0.76 किलो जूल पर मोल, ये इसका एग्जाम्पल है। दैट्स इट।